जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में डीएम ने निर्देश दिया है कि शुभ तिथियों में विवाह का आयोजन कराया जाए तथा अधिक से अधिक जोड़ों को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के पेंशन पाने वाले परिवारों के सदस्यों को भी इसमें जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को शामिल किया जाता था, परंतु सरकार द्वारा अब आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख तक वार्षिक कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में शादी करने वाले जोड़ों के लिए कुल 35,000 रुपए की व्यवस्था है। इसमें से 20,000 रुपए कन्या के खाते में डाले जाएंगे। यदि कोई विधवा या तलाकशुदा महिला शादी करती है तो उसके खाते में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 रुपए का सामान दिया जाएगा तथा 5,000 रुपए प्रति जोड़ा भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर, बिजली पर खर्च किया जाएगा। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये आपको जो लक्ष्य मतलब बजट मिला है उस हिसाब से कितने जोड़ी की आप कर सकते हैं? हम लोगों के पास जो बजट मिला है उसके हिसाब से हम लोग 666 कर पाएंगे। 666 2,68,10,000 होगा। तो सर पैसा हमें ये सर शर्त ये है कि कम से कम मिनिमम 10 जोड़े एकत्रित हों तब कर सकते हैं। मिनिमम 10 से नीचे सामूहिक विवाह नहीं होगा, इसमें यूपी का तो नहीं पात्र होगा। परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे हो और लड़की की आय जो हो शादी की तिथि को 18 वर्ष और जिस वर्ष से आय शादी हो रही है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सर इस बीच में पिछले साल जब ये डीओ हुआ था उसके बाद से परिवर्तन ये हुआ है कि आय सीमा बढ़ा दी गई है और अब आय सीमा सभी लोग नोट कर ले 2 लाख रुपया वार्षिक कर दी गई है। ये बहुत बड़ा चेंज इसलिए हुआ है कि लाभार्थी नहीं मिलते थे तो ये कवरेज एरिया बढ़ाया गया है कि 2 लाख रुपया वार्षिक आय कर दी गई है ताकि मैक्सिमम लोग अब कवर हो जाए। ये नहीं रहेगा कि काम मिल नहीं रहा है गरीब रेखा वाले, लेकिन दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं अगर कन्या दिव्यांग हो तो इनको वरीयता दी जाएगी। अगर बजट कम पड़ेगा तो इनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। वैसे बजट की कमी नहीं है इसलिए सबको हम लोग कवर कर देंगे। इनके हैं ही आवेदन पत्र लाभार्थी करेगा, ब्लॉक पे करेगा, क्षेत्र पंचायत पे करेगा और नगर निगम या नगर पंचायतों में करेगा। तो आवेदन अच्छा मिल जाए तो सर बढ़िया। कौन सी है जो दूसरे चैनल में किए थे?